तो मैंने मतलब इस फील्ड में कोई पढ़ाई नहीं करी, दुनियावी फील्ड में और दीनी तालीम में करी, मगर दीनी तालीम के साथ साथ मुझे इतनी नॉलेजेबल हो चुकी है कि आपका जो मतलब इस फील्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक और साइंटिफिक, हाँ, तो उससे भी मेरे को 10% ऊपरी नॉलेज है। छूट देनी चाहिए, देखो ये तो तरीका भी है समाज में रहने का। अगर कोई पेपर वर्क है या जैसे कमी है स्कूल में, कंप्यूटर नहीं है मदरसे में, या अच्छे शिक्षक नहीं है, तो उसमें वो चेंजिंग लाए, सुधार पैदा करे और समाज के साथ चले, देश का नाम तरक्की हो, आप हमारे देश की। ये सब नाजायज तरीके से ना हो, जायज़ तरीके से हो। जायज़ हो? हाँ बिल्कुल। जायज़ कैसा मतलब? भाई साहब मदरसे क्या क्या नाम है आतंकवादी चला रहे हैं, ये जो कहते हैं कि मदरसे में आतंकवाद, ये सोच कौन बना रहा है कि आतंकवाद पेपर में आती है तुम्हारे? मदरसों के सर्वे पर तो नाराजगी है भाई, मदरसे आज तो बने नहीं है, पुराने मदरसे हैं। नाराजगी क्यों है? नाराजगी तो इसी बात पे है कि सरकार मदरसों को कौन सा दे रही, दो चार मदरसों को देती होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर, मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसे का सर्वे करवा रही है। योगी सरकार का यह कहना है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उनका सरकार सर्वे कराएगी, उनमें किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा का कैसे कायाकल्प किया जाए, यानी कि मदरसों में अरबी और उर्दू के अलावा इंग्लिश, हिंदी और मैथ और साइंस की पढ़ाई भी कराई जाए, इस पर योगी सरकार विचार कर रही है। लेकिन सर्वे से क्या मुस्लिम समुदाय खुश है या फिर उनके दिलों में नाराज़गी है, मैं इसी को जानने बीच ग्राउंड जीरो पर आया हूं, उनसे बातचीत करूंगा कि क्या कोई नाराज़गी है या फिर वो सरकार के इस कदम से खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे, सर्वे करवा रही है योगी सरकार, सरकार का ये कहना है कि मदरसों का कायाकल्प करने का विचार है, क्या लगता है सर्वे ठीक करवा रही है या सर्वे में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है? ये बहुत अच्छी पहल है योगी सरकार की, ये तो उच्च शिक्षा होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ कमियाँ उसको दुरुस्त कर लें। और पढ़ाई तो देखो एक ऐसी चीज़ है जो देश का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करने की चीज़ होती है, बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, तो उसमें सभी मदरसों को सहयोग करना चाहिए। हाँ ये है, जो मदरसों की पूरी तैयारी नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, उनको योगी सरकार थोड़ा समय दे दें, जो अपना पेपर वर्क पूरा कर लें, अपना उसमें सुधार वो कर लें। जी जनाब। यानी अगर किसी का पेपर वर्क नहीं है तो वो, क्योंकि एक सर्वे हो रहा है, पहली बार सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी छूट दी जाए, थोड़ा समय दिया जाए। छूट देनी चाहिए, देखो ये तो तरीका भी है समाज में रहने का। अगर कोई पेपर वर्क है या जैसे कमी है स्कूल में, कंप्यूटर नहीं है मदरसे में, या अच्छे शिक्षक नहीं है, तो उसमें वो चेंजिंग लाए, सुधार पैदा करे और समाज के साथ चले, देश का नाम तरक्की हो, आप हमारे देश की बच्चों का भी सुधार हो। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम शौकीन मलिक है जी। शौकीन मलिक? हाँ जी। शौकीन मलिक क्या कहेंगे, योगी जी सर्वे करवा रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, नाराजगी है, खुश नजर आ रहे हो, लगता है कि योगी सरकार जो करवा रही है उससे कायाकल्प होगा मदरसों का? योगी सरकार जो करा रही है वो ठीक है जी, कोई गलत नहीं है इसमें। और जो ये मदरसों में कमी वगैरह जो भी है ये पूरी होनी चाहिए, बच्चे इसमें जो है, यानी शिक्षा में कायाकल्प होना, हाँ शिक्षा में कायाकल्प होना चाहिए, जो भी उर्दू अरबी मैथ साइंस जो भी हो रही है पढ़ाई ये भी होनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और अरबी के अलावा और भी शिक्षा होनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और टीचर ना है इस पढ़ाई के, साइंस के या मैथ के, वो टीचर रखे जाएं, हाँ मदरसे के अंदर टीचर रखे जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है स्कूल भेजने से राजी रहते हैं, कुछ लोग मदरसे से, तो जिसमें मदरसे में ये पढ़ाई होगी तो मदरसे में जाएं बच्चे, यानी बहरहाल पढ़ें बच्चे। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए, इसी को लेकर सर्वे भी हो रहा है। सर आपका क्या नाम होगा? हाफिज दानिश, आई एम स्टूडेंट ऑफ मदरसा जामा मस्जिद अमरोहा, आई लिव इन बसराइयू इन अमरोहा रहमापुर माफी। डोंट हिंदी में बताइए, हिंदी में, दर्शकों को हिंदी में समझ में आएगा। ओके, मैं एक मतलब स्टूडेंट हूँ मदरसे का, बट मैंने सन 2016 में अपनी हाफिज़ कुरान और कार्य की पढ़ाई पूरी करी मैंने अमरोहा से, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब इस फील्ड में कोई पढ़ाई नहीं करी, दुनियावी फील्ड में और दीनी तालीम में करी, मगर दीनी तालीम के साथ साथ मुझे इतनी नॉलेजेबल हो चुकी है कि आपका जो मतलब इस फील्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक और साइंटिफिक, हाँ, तो उससे भी मेरे को 10% ऊपरी नॉलेज है, चाहे आप उसमें कंपेयर करो। बहुत शानदार बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या, एक मिनट, आप मुझे ये बताइए सर्वे किस लिए हो रहा है, कौन करवा रहा है, मतलब किस लिए हो रहा है, मुझे इसकी बात। उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, योगी सरकार का ये कहना है कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है, जिनका कहीं सरकार की नज़रों में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके बारे में सरकार को पता ही नहीं है वो कहां से चल रहे हैं, उन पर पैसा कहां से आ रहा है, उनके उनमें बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को खाना पीना सही दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उस पर एक सर्वे हो रहा है। उनका ये कहना है कि कायाकल्प भी किया जाएगा, अरबी और उर्दू के अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को मदरसे में पढ़ाए जाने चाहिए, जिससे मदरसे के बच्चे भी आईएएस और आईपीएस की दौड़ में अपना सेलिब्रेट करें। अभी फ़िलहाल 90% मेरे सामने मौजूद है और सभी पब्लिक के सामने मौजूद है, जितने भी इंसान मतलब जितने भी यहाँ पर वैसी फील्ड में मदरसों के अलावा जो पढ़ते हैं बच्चे, उनमें 90% जो हैं बच्चे पढ़े लिखे अभी तक बेरोज़गार हैं या नहीं हैं, हैं जब उन्हें नौकरी नहीं मिली मदरसों में आईपीएस आईएएस कैसे बन जाएंगे, मुझे ही बताएं। नौकरी का तो सवाल ही नहीं है, सवाल यह है कि क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये आपकी जो फील्ड है उस फील्ड से 10% हमारे मदरसों में तालीम पहले से 10% अच्छी है। अच्छा, सर्वे से खुश हो गए? सर्वे से इसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है किसी से भी, कौन सर्वे करा रहा है, किस लिए करा रहा है, उसका क्या मकसद है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बट वो सर्वे क्यों करा रहा है, क्योंकि पहले अगर आपके मतलब वो अगर मान्यता नहीं है तो अवैध हैं आपके मतलब से, अवैध हैं वो मदरसे, अगर आप तो अवैध हो गए हैं नहीं, गवर्नमेंट ये कह रही है ना, अगर जिस मतलब जो मान्यता जो सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है मदरसे, तो वो अवैध हैं, इसके मतलब आप क्या मानते हैं, अवैध है क्या? अवैध नहीं है, वैध है, वो तो वैध है, यानी अगर उसका सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो वैध हो गया। हाँ बिल्कुल, आप मान लो वैध है। हाँ बिल्कुल, वैध कहाँ से हो गया यार, एक बार बताओ, अगर इस दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये वैध है कि अवैध है? अब एक मिनट, अभी तुम जो है ना किसी भी स्कूल के बच्चे को जो जिसने नहीं, आप बच्चे पे बताओ, ये बताओ कि आप मानते हो कि अगर किसी स्कूटर का नाम TVS नहीं है, अगर उस पर कुछ नहीं लिखा है, तो वो स्कूटर को आप क्या बोलोगे? पढ़ाई से आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बताइए मुझे। आपका मानना है कि वैध है मदरसे? हाँ बिल्कुल वैध है। और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ और भी लोग हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिम पाशा है जी। मोहम्मद आसिम पाशा जी, क्या कहेंगे, सरकार मदरसों का सर्वे करवा रही है, सरकार सर्वे जो करवा रही है ठीक है या गलत है? ये सरकार तो कुछ ना कुछ करवाएगी। अच्छा। इन्हें तो कुछ ना कुछ करवाना, कोई ना कुछ ऐसा काम करना जिससे इसे फायदा हो। मदरसे का सर्वे करवाने से क्या फायदा हो जाएगा भाई? इन्हें कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा डालना जो इनसे कोई कुछ पूछे ही नहीं। अच्छा। रोजगार के बारे में नहीं पूछे, नौकरी के बारे में नहीं पूछे, किसी से मतलब कितनी महंगाई है उसके बारे में नहीं पूछे। इन्हें तो कुछ ना कुछ में उलझा के रखना। कह रहे बच्चे बढ़िया पढ़े, अच्छी एजुकेशन दे, तो बच्चे बढ़िया कहाँ बढ़िया पढ़ नहीं रहे, बढ़िया ही पढ़ रहे हैं बच्चे। वो कह रहे अरबी और उर्दू के अलावा इंग्लिश हिंदी मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने को क्या मना कर रखिए, अगर उर्दू अरबी के बाद में वो भी पढ़ते हैं बाद में बच्चे जाके स्कूल से, वो भी पढ़ते हैं। आज हो के खुश हो सर्वे से? काहे के सर्वे से? इससे तो सरकार को कुछ ना कुछ करना, गाय गंगा गुजरात इसमें उलझा के रखना लोगों को। इन्हें तो वोट चाहिए और जिस चीज़ से इन्हें वोट चाहिए वो काम ये करती है। चलिए, इनका कहना है कि उलझा के रखना है। सर आपका क्या नाम होगा बाबा जी? मेरा नाम अली मोहम्मद है जी। अली मोहम्मद जी, नाम तो बहुत बढ़िया। अच्छा जी, और ठीक भी हो? ना ठीक ना, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही तबीयत। हाँ अच्छा, क्या कहोगे, मदरसों का सर्वे करवा रहे हैं योगी जी, सर्वे ठीक हो रहा गलत हो रहा? नहीं, सर्वे करवा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अगर वो यूँ कहें कि हाँ इसमें वो बनते हैं क्या नाम है, तो ये गलत बात है। जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे इसमें आतंकवादी बनते हैं, ये सोच कैसे पैदा हो गई कि आतंकवादी बनते हैं कि हथियार बनते रखिए, कौन बना रहा है ये सोच? ये सब बीजेपी आरएसएस वाले बना रहे हैं, ये सब बीजेपी आरएसएस वाले हैं। हाँ जी, और जी और वो पूछिए। यानी आपको लगता है कि सर्वे ठीक हो रहा है कि गलत कर? सर्वे ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसको उस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से देखना चाहिए। अब उसको जो है दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है, वहाँ ये मीडिया वाले भी दिखाते कुछ हैं। हाँ जी, होता कुछ है, होता कुछ है। अच्छा। उसका बड़ा चढ़ा करके बनाते हैं। अच्छा। जी हम तो देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा। यानी आपको आपको लग रहा है कि हो है कुछ और दिखा कुछ? जी हाँ ऐसे ही है। सर्वे होना चाहिए कि नहीं? सर्वे करो, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सर्वे करो। अच्छा। हाँ चलिए, इनका कहना है सर्वे करो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कह रहे थे बाबा जी? यार नौकरी कितनों की मिलेंगी, पढ़ाई के बाद में आज तक तो किसी मिली ना साले को, सब धक्के खाते फिर रहे हैं। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई पढ़ाई कौन ना कर रहा, किसने ना करी पढ़ाई?
पढ़ाई करके भी बेकार है लोग। हाँ अच्छा, ये सर्वे जो हो रहा है, सर्वे से खुश हो के नाराज हो? सर्वे करवाओ मत करवाओ, बाकी भैया नौकरी भी तो मिलनी चाहिए। जब तुम कह रहे हो कि तालीम हिंदी इंग्लिश आवे तो उसमें पढ़ाई, नहीं मैं ये नहीं कह रहा तालीम हिंदी इंग्लिश आवे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार ये कह रही है उर्दू और सबके अलावा। तालीम का मसले में नौकरी भी तो होनी चाहिए उसके लिए, जो बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे कल को पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश से पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे तो उन्हें नौकरी भी तो होनी चाहिए ना। सर्वे से, सर्वे के बारे में आपका क्या विचार है? आपने कहा नौकरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर्वे को कैसे देख रहे हो? सर्वे कोई बुरी बात थोड़ी, पर नौकरी भी तो होनी चाहिए उन बच्चों को पढ़ने के लिए। सर्वे बुरी बात नहीं है। हाँ आप क्या कह रहे थे बताओ? मैं ये कह रहा था जी, ये कभी जो कहते हैं तीन तलाक, और ये तीन तलाक का नहीं कि हमें मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता है, ऐसे और वैसे। मुस्लिम महिलाओं की ही नहीं चिंता, जिनकी खुद की शादी नहीं हुई उन्हें चिंता, और जिनकी हुई उन्होंने रखा भी नहीं उन्हें ज़्यादा चिंता। ये गलत करो, इन्हें सर्वे से फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर एक बात बताओ, सर्वे का इनसे इन्हें क्या है और चीज़ का? थारा फायदा करवाएंगे, फायदा थोड़ी करना, वे तो कह रहे तुम्हारे बच्चों का फायदा होगा सर्वे करवाएंगे। हमारा फायदा नहीं करवा रहे ये, ऐसी ऐसे दोनों वो दिमाग में डाल लें। अगर अरबी पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो होता, उसे रोजी ढूंढती है, मतलब उसे खुद तलाश करती है, नहीं आओ हमारे यहाँ। और जो हिंदी पढ़ने वाला, अंग्रेजी पढ़ने वाला होता, वो फाइल लिए हुए फाइल वो उसमें चक्कर काटता रहता है, उसमें इंटरव्यू देने में नहीं गया, यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ यहाँ। मान रहे हो कि जो उर्दू और अरबी पढ़ रहा है उसके लिए नौकरी ही नौकरी? तो रोजी ढूंढती है खुद, उसको तो ये आते हो नहीं कि हैन के पढ़ाओ, उसको तो रोजी ढूंढती है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, इधर भैया खड़े हैं। नमस्कार जी। अरे नमस्कार तो ले लो हमारी यार, ठीक हो? अच्छा भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के? हाँ। तो यहाँ पर कैसे? यहाँ पे काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? तो किराए पे रहते हैं यहाँ पे? किराए पे रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जो सर्वे गवर्नमेंट करवा रही है मदरसों का, मुस्लिम हैं आप? हाँ मुस्लिम। क्या नाम है? एजाज भाई, जो सर्वे गवर्नमेंट करवा रही है यूपी में, योगी जी की सरकार है, कितने साल हो गए इधर रहते हो यूपी में? पाँच साल। यानी योगी आए तो तुम भी यूपी आ गए? बिल्कुल है, मैं जाएंगे। इधर योगी आए, इधर एजाज भाई आए, इधर एजाज भाई आएंगे। अच्छा क्या लग रहा है, योगी ने 5 साल कैसी चलाई यूपी? यूपी तो सही चल रही है, जैसा कि बाकी दिल्ली है वगैरह उससे तो अच्छा ही चल रहा है। अच्छा। अभी मदरसों के सर्वे चल रहा है, मदरसों में जो सर्वे हो रहा है उस पर क्या आपका कहना है? सर्वे होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सर्वे तो हर चीज़ का होना चाहिए, मदरसे का नहीं, हर चीज़ का होना चाहिए सर्वे। हर चीज़ का सर्वे होना चाहिए। अच्छा आपको लगता है कि सर्वे ठीक करा लिए सरकार के, गलत चला करा लिए? नहीं ठीक है, इसमें क्या गलत की बात ही नहीं है। अच्छा गलत की बात है ही नहीं। अच्छा मानते हैं कि सर्वे ठीक है, सर्वे में निकल कर आएगा कि आखिर है क्या, मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ आ भी रहा है या सिर्फ बच्चों के नाम पे पैसे कमाई का काम? तो खाली मदरसे की सर्विस नहीं, सर्वे नहीं है, जो भी लगेगा गवर्नमेंट को हर चीज़ में सर्वे कर ले, करनी है। खुश हो गए सर। आप भी खुश हो गए? नहीं मैं भी खुश हूँ। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, इनका कहना है कि मदरसे, हाँ मदरसे में सर्वे जो हो रहा है वो होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, हाँ जिसके पास रोजगार नहीं है उसका सर्वे कराएं, किसके पास नौकरी नहीं है उसका सर्वे सबसे पहले बनता है, उसका कराएं ना, जिसके पास नौकरी नहीं है उसका सर्वे होना। हाँ नहीं, कितने आदमी बेरोजगार हैं उनका सर्वे कराएं? नहीं भाई, बेरोजगारी अभी फैलगी क्या है? 4-5 साल में फैलगी ये, अभी ज्यादा दिख रही है इससे पहले। कह रहे जैसे योगी जी आए मैं यहाँ पर आ गया यूपी में, मेरे को तो रोजगार मिल गया। मिलेगा तो इनके तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे कितने आदमी हैं उनको भी देखो, कश्मीर से आ गए यहाँ। अरे तो ऐसे कितने आदमी हैं उनको भी देखो, और ऐसे कितने आदमी हैं जिनका रोजगार छिन गया उनको भी देखो ना, उस सर्वे में पहले ये कराओ ना। चलिए भाई साहब आपका क्या नाम होगा? नाम से क्या लेना बताइए, क्या नाम है? नाम से क्या लेना, नाम में क्या रखा, काम की बात करो। अच्छा क्या लग रहा है, जो यूपी में योगी सरकार सर्वे करवा रही है, सर्वे से कुछ नाराजगी है या सर्वे आपको ठीक लग रहा है कि सर्वे होना चाहिए मदरसों का? मंदिर तो सर्वे जो है वो होना चाहिए, लेकिन जो ना जो रूल्स हैं उसको जो ना सही तरीके से मानने चाहिए, यानी नियमों के अनुसार होना चाहिए। बस नियमों के अनुसार, एक पाबंदी है, एक जो ना उस पर ट्रस्ट कहाँ से आई, ये जो ना तुम उर्दू क्यों पढ़ा रहे हो? अरे जिस आदमी को अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है वो बच्चा तय करेगा, माँ बाप तय करेंगे, गवर्नमेंट थोड़ी तय करेगा। ताकि उर्दू और अरबी पढ़ाने से बच्चों का भविष्य अच्छा होगा? कौन सी एजुकेशन ऐसी जो पढ़ाने से आपका भविष्य खराब कर सकते? कौन सी एजुकेशन ऐसी कोई बता दो? इंग्लिश खराब है क्या? हिंदी खराब है क्या? हिंदी पढ़ने, खाली हिंदी पढ़ने से आदमी का भविष्य खराब हो जाएगा, या खाली जो ना इंग्लिश पढ़ने से आदमी का भविष्य खराब हो जाएगा? उर्दू पढ़ने से भी जो ना उर्दू प्रोफेसर बन सकता है, उर्दू का लेक्चरर बन सकता है, उर्दू का अच्छा टीचर बन सकता है। सरकार तो ये कह रही है कि उर्दू भी पढ़ाओ अरबी भी पढ़ाओ, लेकिन ये तो
होना चाहिए कि जो बच्चा उर्दू और अरबी पढ़ रहा है उसको साइंस भी पढ़ाया जाए, मैथ भी पढ़ाया जाए, इंग्लिश भी पढ़े, वो हिंदी भी पढ़े। किसने रोका है? सरकार अच्छे स्कूल पढ़ाया कहाँ जा रहा है? सरकार अच्छे स्कूल बना के दे बच्चों को, जो ना जो उर्दू चाहता है। सरकार कह रही है हम कायाकल्प करेंगे मदरसों का। अरे पहले पुराने स्कूलों कायाकल्प कर ले, मदरसों कायाकल्प कहाँ होगा? पहले अपने जो बेसिक स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, पहले उन लोगों को मौसिक सुविधा तो दे दी, जो भौतिक सुविधा है उन लोगों की, बच्चों को लेटरिन का, टॉयलेट का, मास्टरों का, एजुकेशन का, सीट बैठने का और सारी सुविधा दे दे पहले। मदरसों का तो बाद में होगा, जो भी कुछ होगा, पहले स्कूलों का दे दे तो सरकार पहले दे तो दे स्कूलों को। एक मदरसे हैं वो अपने ट्रस्ट पर चल रहे हैं, वो अपने पैसे खर्च कर चल रहे हैं। सरकार का कितना सब्सिडी मिलती है मदरसों को? कोई 2% 5% जाते। सरकार ये कह रही है कि आखिर मदरसे में जो पैसा आ रहा है उसकी थोड़ी जांच होनी चाहिए कि पैसा वो व्यक्ति कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, और जो वो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उनको खाने पीने का जो पैसा आप लोग दान करते हैं, जो मुस्लिम समुदाय मदरसे के नाम पर पैसे देते हैं, क्या उन बच्चों को वो सुविधाएं मिल रही है या फिर बच्चे भूखे हैं और पैसा आ रहा है और पैसा अपने निजी कार्यों में उड़ाया जा रहा है? कोई भी उस्ताद अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगा, कोई भी उस्ताद। जो उस्ताद बच्चे को पढ़ा रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, वो माँ बाप से ज़्यादा केयर करेगा, समझ गए? अब ये है कि किसी मदरसे में ज़्यादा डोनेशन है, किसी मदरसे में कम डोनेशन, इतनी डोनेशन के ऊपर होती है। बाकी कोई उस्ताद नहीं चाहेगा, ना कोई मास्टर चाहेगा, ना कोई प्रोफेसर चाहेगा कि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है। सर्वे ठीक है या गलत है? नहीं, सर्वे बेहतर है, लेकिन उसमें जो ना ज़्यादा सख्ती ना हो, नॉर्मल तरीके सर्वे कराया जाए। हाँ जी, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद, अरे आज तो बड़े दिनों में दिख रहे हो, चांद निकल गया क्या? बिल्कुल भाई साहब, इससे पहले ही इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कहेंगे, सर्वे जो हो रहा है ये मदरसों वाला, सर्वे से खुश हो, नाराज हो, सर्वे होना चाहिए? कुछ दिक्कतें हैं सर्वे होने में, या फिर सर्वे में कुछ कठिनाई हो रही है कि भाई सर्वे नहीं होना चाहिए? भाई साहब, नाजायज ना हो, जो भी काम हो नाजायज ना हो, एक तरफा ना हो। हम सर्वे को मना नहीं कर रहे, सर्वे हो, ऐसा नहीं है। हमारे मदरसे में उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाई जाती है, सब, क्या नाम है, कंप्यूटर भी लगे हुए हैं बहुत मदरसों में। ऐसे नहीं है क्या नाम है कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, सब बच्चे हिंदी उर्दू सब पढ़ते हैं, लगा शुक्र है, ऐसे कुछ नहीं है। ये तो बेफालतू की तंग करने वाली बात है। लग रहा है कि सर्वे करवा कर सरकार तंग कर रही है। बिल्कुल भाई साहब, योगी जी तंग कर रहे हैं कि भाई सर्वे हो रहा है, तंगी भाई साहब, नाजायज तरीके से ना हो, जायज तरीके से हो। जायज हो? हाँ बिल्कुल। जायज कैसे मतलब? भाई साहब, मदरसे क्या नाम है आतंकवादी चला रहे हैं, ये जो कहते हैं कि मदरसे में आतंकवादी, ये सोच कौन बना रहा है कि आतंकवादी? पेपर में आती है, तुम्हारे मीडिया वाले देते हैं, बड़े बड़े मीडिया जो तुम्हारी बड़ी मीडिया है ना, वही देती है, जो बड़ी मीडिया है वही देती है सर्वे में। आतंकवादी मदरसों में आतंकवादी? भाई साहब पेपर में पढ़ते रहते हैं हम तो, क्या नाम है, बड़ा दिल से दुखता है। क्या दिल कहता है कि आतंकवादी पढ़ रहे हैं? नहीं भाई साहब, बच्चे पढ़ते हैं, आतंकवादी कहाँ पढ़ेंगे? सच्चा आदमी तो यही कहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सच होगा। बिल्कुल बच्चे वैसे नाराजगी है कि खुश हो? भाई साहब, हम उससे नाराज हैं जो हमारे मदरसों को बदनाम करा जाता है खामोखा। जी चलिए, आपका क्या नाम हो, इधर आइए सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सऊद अली। सऊद अली, सऊद जी क्या कहेंगे, जो सर्वे हो रहा है इस समय मदरसों के सर्वे पर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ मौलाना हैं बड़े जो मुफ्ती लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, चाहे साजिद रशीदी हैं, एक बड़े मुफ्ती हैं, इस्लाम के जानकार हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर कोई सर्वे करने आए तो जूते चप्पलों से सरकार के जो आदमी सर्वे करने आए उसका स्वागत किया जाए। ये सर्वे से डर है या सर्वे से खुश हो, या सर्वे में कोई दिक्कत है? सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, असल जो है ना, मुसलमान की जो बुनियाद है वो इस्लाम से है और इस्लाम की तालीम दी जाती है मदरसों में, जो बेसिक है ना वो हमें स्कूलों में नहीं मिलता। जो हम मदरसे में अपने बच्चे को, बच्चे की तरबियत करते हैं ना शुरू से, जो इस्लाम की बुनियाद है वो इस मदरसों से है, और इस्लाम की बुनियाद जब तक मदरसे रहेंगे, जब तक दीन रहेगा, क्योंकि मदारिस, खानगाह, मस्जिद, ये चीज़ है इस्लाम की बुनियाद। ताकि सरकार मदरसे ख़त्म करना चाह रही है, मदरसे हटाना चाह रही है, या सर्वे करके मदरसों का कायाकल्प करना चाह रही है? कुछ नहीं करना चाह रही है, ये तो सिर्फ जो है इन्हें हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करना है, राजनीति करना है, इन्हें वोट लेना है, इन्हें कुछ नहीं करना, ना मदरसों से इन्हें कुछ करना है, ना मस्जिदों से कुछ करना है, सिर्फ इन्हें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। आपको क्या लगता है, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर्वे में कोई दिक्कत नहीं, सर्वे में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साजिद रशीदी साहब क्यों कहते हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं, लोग उनको देखते हैं, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, वो तो ये कहते हैं कि कोई कागज लेकर आए सरकारी तो जूते चप्पल से उसका स्वागत किया जाए। ना देखो, ये तो मुनासिब नहीं है, मेरी बात सुनो, जो सर्वे करने आ रहा है अधिकारी, सर्वे कराओ, सर्वे में क्या दिक्कत है, कोई
आतंकवाद थोड़ी फैल रहा, ना आतंकवाद चल रहा, यहाँ तो सब मुसलमानों के बच्चे, यहीं के मुकामी लोगों के बच्चे हैं जो मदरसों में हैं, कहीं के भी, हाँ मुकामी लोगों के बच्चे हैं, दीनी तालीम ले रहे हैं उसमें। फिर ये गवर्नमेंट के पैसे से नहीं चल रहा, ये हमारे अपने पैसे से चल रहा, जो हम लोग ताउन करते हैं उससे हमारे। यही तो कह रही है कि मैं पैसा वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारा पैसा जा रहा है, हम अपना पैसा दे रहे हैं, सदका ज़कात से मंदिर से चलते हैं, तो हमारे पैसे से मंदिर से चल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी आप मानते हो सर्वे भी हो लेकिन बिल्कुल नियम के अनुसार हो? हाँ सर्वे हो, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है, मगर सर्वे जो है वो प्रॉपर जो है ईमानदारी से होना चाहिए। हाँ चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग पीछे खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बुजुर्ग से बात करना बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों को किया रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। बड़े मियाँ नमस्ते। नमस्कार, ठीक हो? हाँ बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो सर्वे हो रहा है मदरसों का, इस मदरसे के सर्वे पर नाराज़गी है या होना चाहिए, या खुश हैं, या कुछ कहना चाहते हैं आज हमारे माध्यम से? नहीं, मदरसों के सर्वे पर तो नाराज़गी है भाई, मदरसे आज तो बने नहीं है, पुराने मदरसे हैं। नाराज़गी क्यों है? नाराज़गी तो इसी बात पे है कि सरकार मदरसों को कौन सा दे रही, दो चार मदरसों को देती होगी तो देती होगी, उनका तो कह रही है रजिस्टर करवा लो, हमारे यहाँ पता तो लगे मदरसे में कौन कौन किस मदरसे को चला रहा है। तो हमारे यहाँ तो रजिस्टर्ड हुए 20 साल हो गए। नहीं आपकी नहीं, मैं पर्सनल आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक पूरे ऑल ओवर मदरसों की बात कर रहा हूँ, सरकार जो गैर मान्यता आप मदरसे हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बात कर सकती है ना सरकार, कि भाई रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उसके बाद मदरसे चलाया जाए, और क्या क्या मदरसों में पढ़ाई होनी चाहिए उसके बारे में भी एक वो बना के दिया जाए कि भाई ये पढ़ाना चाहिए। यही तो सर्वे करवाना चाहती है। तालीम भी होनी चाहिए, दुनियाई तालीम भी होनी चाहिए। आप मानते हैं, आप बुजुर्ग हैं, कि हिंदी दीनी तालीम जो अपनी ज़रूरी है, आज के ज़माने में दुनिया की तालीम भी बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम से काम नहीं चलेगा। सर्वे से तो आप नाराज़ हो? नहीं, सर्वे से तो हम नाराज़ इसलिए है ना कि सर्वे जो है वो सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं है, उसका तरीका सही नहीं है। सर्वे हो, सबका हो, और सब में जो है दुनियाई तालीम भी शुरू करी जाए, ये नहीं कि दीनी तालीम भी। तो सरकार की सर्वे के बाद तो पता लगेगा कि किस मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से, और जो शिक्षक हैं वो रखे जाने चाहिए, जो पैसा मदरसे के नाम पर आ रहा है क्या वो बच्चों को दिया भी जा रहा है, बच्चों में खर्च भी किया जा रहा है, या फिर उसको सिर्फ मौलाना साहब अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं। लेकिन जो मदरसे ऐसे हैं जो अपने उससे चल रहे हैं, उनके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। अब जैसे जो है इंग्लिश का मामला है, बहुत से मदरसों में है इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, और बच्चों को जो है दुनियाई तालीम भी दी जाती है। लेकिन तो सब में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर मदरसे में होना चाहिए, हर मदरसे में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच पहुंचाऊं, खासकर मुस्लिम समुदाय की सर्वे पर क्या राय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, लेकिन मदरसे के सर्वे पर मुस्लिम समुदाय की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया।